सांप और कौवा। बरगद के एक पेड़ पर दो कौवे रहते थे। एक बहुत बड़ा सांप भी आकर उसी पेड़ के नीचे घर बनाकर रहने लगा। सांप को अपना नया पड़ोसी पाकर कौवों को बहुत चिंता हुई। कौवों ने अपने मित्र गिलहरी और कबूतर को अपनी चिंता का विषय बताया तो उन्होंने सांप से सचेत रहने के लिए कहा, कहीं ऐसा ना हो सांप तुम्हारे बच्चों को खा जाए। मादा कौवे ने दुख से रोते हुए कहा, अगर मैंने अंडे दिए और वह सांप ने खा लिए तो मैं क्या करूंगी? हम एक सुरक्षित जगह ढूंढ लेंगे। कौवे ने सांत्वना देते हुए अपनी पत्नी से कहा, पर हम अपना घर कैसे छोड़ सकते हैं? या फिर हमें सांप को ही भगाना पड़ेगा? कौवा बोला, बहुत जल्दी मादा कौवे ने 3 अंडे दिए और उसमें से निकले 3 प्यारे प्यारे बच्चे। पड़ोसी सांप उन नन्हे बच्चों की आवाज सुनकर बहुत खुश हुआ। एक दिन जब दोनों कौवे दाना चुगने बाहर गए, इस सांप ने धीरे से घोंसले में घुसकर सारे बच्चे खा लिए। जब कौवा शाम को बच्चों के लिए दाना लेकर वापस आया तो खाली घोंसला देखकर उसके दुख का ठिकाना ना रहा। मादा कौवा तो आंसू बहा बहा कर रोने लगी। नर कौवे ने उसको प्यार से पुचकारते हुए कहा, आप इतना दुखी ना हो, मैं उसको अच्छा सबक सिखाऊंगा। इस बार अपने बच्चों की जान बचाने के लिए कौवा सलाह के लिए लोमड़ी के पास पहुंचा। कौवे की सारी बात सुनते हुए लोमड़ी ने सलाह दी, नदी के किनारे जहाँ पर रानी स्नान कर रही है उनका हीरों का हार पड़ा होगा, तुम जल्दी से जाकर उसे उछा कर ले आओ। कौवे ने सलाह के अनुसार वैसा ही किया। कौवे को हीरों का हार लेकर उड़ते हुए देखकर रानी के नौकर कौवे के पीछे भागे। कौवे ने हीरों का कीमती हार ठीक सांप के घर के ऊपर गिरा दिया और रानी के नौकरों ने जैसे ही डंडे से उस छेद को तोड़ना शुरू किया, वह लंबा सांप भौंकता हुआ बाहर आ गया। सिपाहियों को डंडे के साथ देखकर वह सांप तो वहां से भाग खड़ा हुआ और कभी वापस नहीं आया। अच्छी संगति भली संगति।